मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में नियम विरुद्ध तरीके से 110 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति किए जाने के विरोध में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुरादाबाद कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा 22 जनवरी को ऐतिहासिक हड़ताल की गई, जिसके तहत जनपद के समस्त विभाग पूरी तरीके से बंद रहे। हड़ताल के दौरान जनपद के समस्त कर्मचारी भारी संख्या में अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए और समन्वय समिति के अध्यक्ष संदीप बडोलो की अध्यक्षता में एक सभा की। सभा का संचालन हेमंत चौधरी व निश्चल भटनागर ने संयुक्त रूप से किया। आंदोलन के दौरान जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट एसीएम अपर पुलिस अधीक्षक धरना स्थल पर गए और मंच से कर्मचारियों के समक्ष घोषणा की कि प्राधिकरण के 110 कर्मचारियों की सेवा बहाली के लिए दिनांक 28 जनवरी को प्राधिकरण में बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश मंडलायुक्त ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को लिखित में दे दिए हैं। दिनांक 28 जनवरी को बोर्ड की बैठक के माध्यम से 110 कर्मचारियों की बहाली हटा दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि आयुक्त महोदय व जिलाधिकारी इस समस्या के प्रति गंभीर हैं, अतः हड़ताल को स्थगित करने की अपील करी व घोषणा की। इसके बाद समस्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने समन्वय समिति के अध्यक्ष संदीप बडोला से 28 जनवरी तक हड़ताल स्थगित करने की घोषणा करने की बात कही। साथ ही 28 जनवरी को जनपद के समस्त कर्मचारी प्राधिकरण कार्यालय पर एकत्रित होंगे। अगर बोर्ड की बैठक में कर्मचारियों की बहाली सुनिश्चित नहीं हुई तो वहीं पर पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी कल मंडलायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से दे दी जाएगी। तीसरी बात, मैं आप लोगों के बीच में माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी की महोदय की तरफ से हम और एसपी साहब यहां उपस्थित हुए हैं ये कहने के लिए कि अभी तक आपका जो धरना चल रहा था उसमें जो अभी आपकी मांगें थी, इन सारी मांगों को, इन सारी बातों को एक जो सही प्लेटफॉर्म है इस पर अपने पक्ष को रखने के लिए, उसके लिए शीघ्र ही एक बोर्ड की बैठक आहूत की जाएगी और उसके लिए ये प्रयास किया गया है कि उसको सरकारी तरफ से निर्धारित किया गया है कि 28 जनवरी को बोर्ड की बैठक में आपकी जितनी जो मांगे हैं उन सारी बातों को एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ पर उसका निर्णय लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझिए, क्योंकि वहाँ पर ये बातें आपको सही प्लेटफॉर्म के मामले से रख दी जाएंगी। और फिर मैं वही आपसे वही कह रहा हूँ कि विश्वास एक भरोसा बना के रखिएगा, जहाँ तक उम्मीद है सारी चीजें ठीक होंगी, ऐसा प्रयास हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा पत्र मान्य वीसी महोदय को लिखा है कि इस पत्र को पढ़ के सुनाऊंगा आपको, चूंकि मीडिया के साथी है, मैं इस पत्र को उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा पत्र लिखा है माननीय आयुक्त महोदय ने कि उस पत्र में स्पष्ट कर दिया कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय का यह निर्णय नियमों के विपरीत जाकर है। इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती आपकी, यह आपकी जीत का पहला चरण है कि माननीय अध्यक्ष जी, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, माननीय आयुक्त महोदय जी ने माननीय उपाध्यक्ष को यह कहा है कि आपने तमाम उन शासनादेशों को बोर्ड के समक्ष नहीं रखा, आपने इन कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया जो पूर्व उपाध्यक्ष ने रखी उनको आपने बोर्ड के समक्ष नहीं रखा। उन्होंने तत्काल वीसी महोदय को निर्देश दिए कि बोर्ड की बैठक विशेष परिस्थितियों में तत्काल बुलाई जाए, जिसमें इन कर्मचारियों की बहाली का निर्णय लिया जा सके। प्रतिनिधि मंडल आपके बीच में आया, उन्होंने घोषणा करी, आपने, मैंने उनसे कहा माने बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई और मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु संदीप बडोला जी, समन्वय समिति के अध्यक्ष मोमीलाल वाल्मीकि जी और मोहम्मद अली वार सिंह जी और यहाँ उपस्थित समस्त संगठनों के पदाधिकारीगण, मेरे छोटे भाई नगर निगम कर्मचारी संघ के संरक्षक आसिफ शहदाद और
मेरे ये 110 निकाले गए कर्मचारियों की पत्नियां, बच्चे, मासूम बच्चे और मेरे सभी कर्मचारी जो सुबह से भूखे प्यासे हमारी आह्वान पर यहां आज हड़ताल में शामिल हुए, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं एक शर्त पे आसिफ भाई का, आसिफ भाई ने जो मुझसे कहा है और गोपी किशन भाई ने जो मुझसे कहा है, मैं एक शर्त पे ये निर्णय वापस लूंगा पहली तारीख तक कि मेरी जो बहनें, मेरी माताएं, मेरे जो मासूम बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं, जो 110 परिवारों के सदस्य हैं, वो कृपया खड़े होकर ये आश्वास्त करें कि क्या मेरे अध्यक्ष समन्वय समिति के, मेरे समन्वय समिति के अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है और मैंने निर्णय लिया है, क्या आप उसे सहमत हैं? कृपया खड़े होकर पहले मुझे आश्वस्त करें, तभी मैं आत्मदाह का निर्णय वापिस लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपसे आश्वस्त करूंगा। समन्वय समिति ने जो हड़ताल का निर्णय वापस लिया है, हड़ताल खत्म नहीं करी है, हड़ताल बोर्ड की मीटिंग खत्म होने के बाद ही फाइनल करी जाएगी, वहां हम मौजूद रहेंगे, मैं उपस्थित रहूंगा, सभी संगठन, आसिफ भाई, मोहम्मद समिति, पूरी समन्वय समिति, एक एक कर्मचारी जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया है, सब उपस्थित रहेंगे। और इस अड़ियल और हट्टी वीसी जो बोर्ड की मीटिंग में अगर निर्णय गलत कोई लेती है या आपकी बहाली का मसला सामने नहीं आता है, तो उस बोर्ड की बैठक के खत्म होने के 10 मिनट के बाद हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए कर दी जाएगी और पहली तारीख को भाई आसिफ हसन जी के आश्वासन पर और भाई गोपी किशन जी के आश्वासन पर मैं अपने निर्णय से अभी वापिस लेने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जिम्मेदार प्रतिनिधि मंडल आयुक्त के सिटी मजिस्ट्रेट साहब, ASP साहब यहाँ मौजूद थे, तो हमें उस बात को भी मानना है और मुझे खुशी आप लोग भी मांगे हैं, तो मैं आत्मदाह का फैसला 1 तारीख को करूँगा। और मैं आप सभी जो मेरी माताएं बहनें हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब अपने घर जाकर कृपया जलपान करें और इन मासूम बच्चों को कुछ खिलाएं, और उससे पहले जो हमारे उपाध्यक्ष ओमिलाल